बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा में आज प्रश्नकाल से शुरू होगी कार्यवाही। प्रश्नकाल में राजस्व, खान, पर्यटन, ग्रामीण विकास, पीडब्ल्यूडी के सवाल पूछे जाएंगे। खान पर्यटन समेत अन्य विभागों के भी सवाल पूछे जाएंगे। आपको बता दें, प्रश्नकाल से आज शुरू होगी कार्यवाही, जिसमें मंत्री शांति धारीवाल, रामलाल जाट, विजेंद्र सिंह ओला, भंवर सिंह भाटी अपने अपने विभागों की प्रतिवेदन और अधिसूचनाएं भी सदन में रखेंगे। आपको बता दें, शून्यकाल में विधायक जोराराम कुमावत, ललित कुमार, हमीर सिंह भायल, नरपत सिंह राजवी याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे। साथ ही विधानसभा में पारित किए जाएंगे 4 विधेयक और 1 विधेयक को सदन में पेश किया जाएगा। आपको बता दें, प्रश्नकाल से आज भी शुरू होगी कार्यवाही। सरकार विधानसभा में रखेगी राजस्थान समाज विरोध क्रियाकलाप निवारण संशोधन विधेयक। साथ ही सरकार पारित करवाएगी राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023। इस विधेयक के पारित होने से आम जनता को पेंशन के तौर पर न्यूनतम आय की गारंटी मिल सकेगी। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में भी उचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक भी पारित करवाया जाएगा। साथ ही परीक्षाओं में नकल रोकने और पेपर आउट जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े प्रावधान किए जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत इस तरह के मामलों में उम्र कैद तक की सजा के प्रावधान का ऐलान कर चुके हैं। राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक भी आज पारित करवाया जाएगा। राजस्थान सिनेमा विनियम संशोधन विधेयक भी पारित किया जाएगा। आज विधायी कार्य के लिहाज से बेहद व्यस्त दिन रहेगा। दिन भर होगी विधेयकों पर चर्चा। आपको बता दें, आज एक व्यस्त दिन जाने वाला है। कई विधेयकों पर चर्चा होने वाली है, कई विधेयक पारित भी होने वाले हैं और विधेयी कार्य के लिहाज से आज एक बहुत व्यस्त दिन होने वाला है। दिन भर विधेयकों पर चर्चा होगी। राजस्थान विधानसभा में आज प्रश्नकाल से कार्यवाही की शुरुआत होगी, जिसमें राजस्व, खान, पर्यटन, ग्रामीण विकास, पीडब्ल्यूडी समेत खान और पर्यटन के विभागों के सवाल पूछे जाएंगे। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। दिनेश, आज एक बहुत बिजी दिन जाने वाला है सदन में। देखिए, आज पूरे दिन विधायी कार्य में व्यस्त रहेंगे और आपको बता दें कि आज 2 अहम बिल है वो भी पास होंगे। एक तो अब नकल गिरोह करने वाले या जो परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करते हैं उनके लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान होगा और वही जो न्यूनतम आय की गारंटी का जो कानून है वो भी आज विधेयक है पेश होगा, जिसके तहत हर साल 15% स्वतः पेंशन के रूप में राशि की बढ़ोतरी होगी। 7 तारीख को राशि उसके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। ये 2 अहम विधेयक है, आज वो भी पारित किए जाएंगे। इसके अलावा 2 अन्य विधेयक है वो भी सदन में चर्चा के बाद पारित किए जाएंगे। सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें करीब 20 से ज्यादा प्रश्नकाल में राजस्व, पर्यटन, ग्रामीण विकास, सार्वजनिक निर्माण विभाग, माइनिंग और टूरिज्म सहित कई विभागों से जुड़े सवाल है और पक्ष विपक्ष के विधायक ये मंत्रियों से सवाल करेंगे, फिर मंत्री उनका जवाब यहाँ पर देंगे। और शून्यकाल में भाजपा हमेशा की तरह एक मुद्दा उठाएगी, जिस पर स्थगन प्रस्ताव के जरिए वो अपनी आवाज रखेंगे और स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के बाद करीब 1 बजे जो विधेयक है उन पर यहाँ पर चर्चा होगी और आज 4 विधेयक चर्चा के बाद पारित किए जाएंगे। तो ऐसे में शाम तक लंबे समय तक विधानसभा की कार्रवाई चल सकती है। जी दिनेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी दिनेश, जिन्होंने बताया कि आज कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने के बाद में विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। आज कई मुद्दों पर सवाल, कई विभागों के सवाल पूछे जाएंगे और मंत्री शांति धारीवाल, रामलाल जाट, विजेंद्र सिंह ओला, भंवर सिंह भाटी अपने अपने विभागों के प्रतिवेदन और अधिसूचनाएं प्रस्तुत करेंगे और शून्यकाल में भी अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होंगी और याचिकाओं का उपस्थापन किया जाएगा।